हवा में गायब हुए कई हवाई जहाजों की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन हम जिन हवाई जहाजों की बात कर रहे हैं उनकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। इन हवाई जहाजों के गायब होने को कोई एलियन से जोड़ता है तो कोई समंदर में क्रैश हुआ बताता है। हालांकि इन दोनों ही दावों की पुष्टि आज तक साबित नहीं हो पाई। चलिए आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताते हैं कि आखिर वो हवाई जहाज कौन से थे जो हवा में तो उड़े लेकिन जमीन पर कभी लैंड नहीं हुए। फ्लाइट 19 का गायब। दोस्तों 5 दिसंबर 1945 को दोपहर को करीब 2:10 पर फ्लोरिडा के अपने बेस से 14 पायलटों को लेकर एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट आसमान की ओर उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद उसका बेस स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। बेस स्टेशन पर मौजूद लोगों को लगता है कि यह एक टेक्निकल ग्लिच होगा जो जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जब फ्लाइट को उड़े काफ़ी समय बीत जाता है और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया तो लोग पैनिक करने लगते हैं। इसके लिए खोजी विमान भेजे जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये विमान कहाँ गायब हो गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग इसे एलियंस वाली थ्योरी से जोड़ते हैं तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में फंस कर क्रैश हो गया। फ्लाइट BSAA स्टार टाइगर का गायब। 20 जनवरी 1948 को BSAA स्टार टाइगर हवाई जहाज सेंटा मरिया से ओजोरेंस के 6 क्रू मेंबर और 27 पैसेंजर को लेकर उड़ान भरता है। उड़ान भरते वक्त जहाज में बैठे लोग अपने सफर को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। सेंटा मरिया उड़ान भरने के बाद जब यह हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो सुबह के करीब 3:50 पर उसका सिग्नल मिलना बंद हो गया। कंट्रोल रूम ने उनसे कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये जहाज बीच हवा से कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। 914 का गायब होना। दोस्तों इस हवाई जहाज की कहानी सबसे ज़्यादा रोमांचक है क्योंकि ये गायब होने के 30 साल बाद फिर से दिखा गया था, लेकिन फिर गायब हुआ और आज तक नहीं मिला। दरअसल फ्लाइट 914 के बारे में कहा जाता है कि उसने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये जहाज हवा में ही गायब हो गया। इस जहाज में कुल 57 यात्री सवार थे। अमेरिकी सेना ने इस जहाज को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि गायब होने के 30 साल बाद 1985 में यह फ्लाइट एक दिन अचानक से वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर लैंड होती है। लैंड करने के बाद पायलट वहाँ मौजूद स्टाफ से पूछता है कि ये कौन सा साल है और ग्राउंड स्टाफ बताता है कि यह 1985 है। ये सुनते हैं पायलट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते हवाई जहाज हवा में उड़ जाता है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल रूम में इस जहाज के लैंडिंग की कोई जानकारी नहीं थी। ये जहाज अचानक से रडार पर आया और लैंड हो गया था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करिएगा।